हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज कुछ फैक्ट्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, कुछ खास फैक्ट्स जो कि हर हालत में सच होने ही होने हैं, ठीक है। इनको लेके कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आप मैचअप करके देख लीजिएगा अगर आपको मैच करने हैं, या फिर आपको किसी तरह का मोटिवेशन चाहिए तो वो भी आपको इस, अगर आप जर्नी में चलते चलते हताश हो गए तो शायद इन फैक्ट से आपको कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है। सो देखिएगा अपनी कंडीशन के अनुसार। तो फैक्ट नंबर वन है कि रियलिटी, ठीक है, लेट्स टेक अ रियलिटी चेक। तो आप अर्थ पे हैं, राइट, एंड आपका ट्विन भी अर्थ पे है, एक ही टाइम पे आप लोगों का बर्थ हुआ है और आप लोग एक ही टाइम पे अर्थ पे हो और आप मिले हो, यानी कि आपको यूनिवर्स ने मिलवाया है, आपको ये एक्नॉलेज करवाया, आपको ये रिकॉग्नाइज, आपको रियलाइज़ करवाया कि आप दोनों एक दूसरे के सोल पार्ट हो, काउंटर पार्ट हो। तो ये आप कहीं पे लिख के रख लीजिए कि आपका रीयूनाइट होना ही होना है, आपको, आप लोगों को रीयूनाइट होना ही होना है अगर एक टाइम पे आप लोग अर्थ पे हो। तो ये केवल आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी को किस तरह से स्पीड अप करते हैं और इस रीयूनियन को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में जो है लाते हैं, ठीक है। ये एक अलग फैक्ट है, ओके। तो कोई एक क्लास को एक ही बार में टॉप करता है और कोई एक क्लास को चार बार में भी जाके पास करता है, तो ये सब स्टूडेंट्स पे अलग अलग डिपेंड करता है, यहीं पे यही बात लागू होती है। सो अगर इफ़ यू आर ऑन अर्थ, आपका ट्विन भी अर्थ पे है और आप दोनों मिले हो, इट मीन्स आप लोग रीयूनाइट होंगे ही होंगे 100%। तो ये वाला क्वेश्चन कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कंडीशन वो कंडीशन, ये सब बेकार फजूल बातें हैं। तो अगर यूनिवर्स ने इतना कुछ प्लान किया तो वो भी उनके प्लान में होगा। आपको कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क पे करना है, अपने काम पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों को जितना जल्दी हो सके, यूनिवर्स भी आपको तभी अप्रिशिएट करेंगे जब आप एक साथ आके अपने पर्पज़ को पूरा कर सकें इस धरती पर आने के, ओके। सो ये था फैक्ट नंबर वन। फिर फैक्ट नंबर टू है, आप हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 3D में आप लोग अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, आप लोग को कम्युनिकेशन नहीं है, या आप लोग जो है सेपरेशन में हैं। मुझे तो ये सेपरेशन वर्ड ही गलत लगता है, इसके बारे में आगे बात करूँगी। सो लिव इट, छोड़ दीजिए ये सब कुछ। दोनों, आप दोनों के हायर सेल्फ, जो आप लोगों की अंतरात्मा जिसको कहते हैं, जो हायर सेल्फ होता है, वो हमेशा हमेशा कनेक्टेड है, हर वक्त वो कनेक्टेड है। यही रीज़न होता है कि ट्विन्स में टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप अपनी जगह पे बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपनी चार दीवारी में बैठे हुए, आपको पता होता है कि उस बंदे की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसका वो किस दौर से गुजर रहा है, या उसको, उसके क्या मूड्स चल रहे हैं, या उसकी क्या जो है कंडीशन है, आपको अंदर से ये रियलाइज़ होता है। इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी होने का रीज़न यही होता है कि सोल लेवल पे आपके, आप हमेशा जो है दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर फैक्ट नंबर थ्री है, अपनी जो भी आपकी लाइफ में कंडीशंस हैं, चाहे वो कार्मिक रिलेटेड हों, चाहे वो आप लोगों के बीच में जो भी जो है बाधाएं हों, या आपके, आप लोगों के जो भी लाइफ सिचुएशंस रही हों आज तक की, सो बिलीव मी, ये सब कुछ आपने खुद चूज़ किया था। जब आपका, आपको इस अर्थ पे भेजा जा रहा था, तो ये सब कुछ आप लोग प्री डिसाइड करके आए थे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर आप इस फैक्ट को अपनी लाइफ में उतार लेंगे पूरी तरह, हर वक्त अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, तो बिलीव मी, ये जर्नी आपके लिए 40-50% ईजी हो जाएगी।
क्योंकि सबसे ज़्यादा आप उलझते वहीं पर हो जहाँ पर आप इन चीज़ों में, रिजेंटमेंट में, रिवेंज में या गुस्से में, ग्रजेस में फंसे रहते हो, वहीं पे आप जर्नी में पिछड़ते हो। तो जर्नी में आपका पिछड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप हर वक्त अपने आप को सिर्फ एक बात याद दिलाएं कि सब कुछ आपने खुद ही चूज़ किया था। अपने पेरेंट्स आपने चूज़ किए थे, अपना कार्मिक आपने चूज़ किया था, अपने कंडीशंस आपने चूज़ की थी, अपनी लाइफ की सिचुएशंस आपने चूज़ की थी। आप खुद वहाँ पर लिख कर साइन करके दोनों आए हो कि ये कंडीशंस हमें चाहिए अपनी लाइफ में, इन इनके थ्रू हम गुजरेंगे और तब हमारा असेंशन होगा। सो आप ये खुद डिसाइड करके आए थे वहाँ पे। ओके, आप अपने कार्मिक, अपने चैलेंजेस, अपने पेरेंट्स, अपना घर परिवार, अपनी जो भी आपकी, जहाँ आपका जन्म हुआ है, सब कुछ आपने खुद चूज़ किया था। फैक्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात आपने हमेशा सुनी होगी कि यूनिवर्स में आप जैसी एनर्जी सेंड करते हैं वैसी ही एनर्जी आपको जो है लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, वैसी चीज़ें आपको लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्लीज़ इस जर्नी में भी इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। ये कैसे अप्लाई करनी है आपको? सबसे पहले तो अपने ट्विन को रनर बुलाना बंद करिए। ठीक है, नो डाउट आप लोग उस, वो एक फेज कहलाता है रनर चेजर, जो उसका टर्म पड़ गया है इस जर्नी के अंदर, बट अपने ट्विन को आप रनर कहना बंद करिए। अगर आप हर वक्त खुद को ये याद दिलाते हैं कि वो रन कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। सो अपने आप, अपने ट्विन को रनर बुलाना बंद करिए। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आप बार बार उनको फिर वही एनर्जी सेंड करते हो। ओके, और यूनिवर्स में भी आपकी यही एनर्जी जाती है, और आपको पता है कि जिस चीज़ को आप 20 21 दिन बोलते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है उसे यूनिवर्स, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, वो आपके लिए सच हो जाता है। तो मत करिए ये चीज़ अपने साथ। चैनल्स पे बोला जाता है, वो एक टर्म है, जस्ट चीज़ों को मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, हम भी बोलते हैं रनर चेजर वो, लेकिन आप ये एनर्जी को सेंड मत करिए बार बार कि कई लोग आते हैं ना कि मैम मेरा ट्विन रन कर रहा है, मेरा ट्विन रन कर रहा है, वो भी मुझे नहीं। आप इस तरह से मत सोचिए, आप सोचिए वो आप ही का पार्ट है। तो इस सोच को ऐसे करिए कि अगर वो रन भी कर रहा है, आपको रियलाइज़ एक बार हो चुका है कि वो शायद आपकी एनर्जी जो है वो उसको रिपेल कर रही है, बट आप उस चीज़ को बार 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 करना बंद करिए, सोचना बंद करिए, बोलना बंद करिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप दोनों एक हैं, बजाय इसके कि वो रन कर रहे हैं, ये याद दिलाने के, ये याद दिलाइए कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं, एक ही हैं। ओके, फिर फैक्ट है, नेक्स्ट फैक्ट है जो 5 नंबर, वो है जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आप अपने ट्विन को रनर बोलना बंद करिए, उसी तरह से आप खुद को, खुद की जो कंडीशन कभी भी किसी से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं जब अकेले में, तो अपने आप को सेपरेशन में बोलना बंद करिए। बिल्ली ये सोच के देखिए, ट्विन जर्नी में आप हैं, और ट्विन जर्नी की पहली लाइन क्या होती है? एक सोल के दो पार्ट, क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? दो जिस्म एक जान, क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं कभी भी, वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो आपका ये जो फेज होता है जहाँ बस ये आपके सुधार के लिए ये आपको एक थोड़ा वक्त दिया जाता है, इसको खींचना भी आप ही के हाथ में होता है कि आप इसको खींचते हैं, लंबा बढ़ाते हैं।
तो आपको सेपरेशन वर्ड यूज़ नहीं करना है अपनी यात्रा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। यू आर नॉट सेपरेटेड, यू आर वन। वननेस में आइए, वो और आप अलग नहीं हैं, ये फीलिंग अपने आप को हमेशा रखिए और याद दिलाइए। ओके, सो हमेशा ऑलवेज वननेस में आइए, ठीक है? तो अपने आप को सेपरेटेड बुलाना बंद करिए। तो ये था छोटा सा वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है? तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, नेक्स्ट पार्ट बड़ा अच्छा होने वाला है, और ज़्यादा इसके अंदर मैं आपके लिए फैक्ट्स लेके आती हूँ, ठीक है? ओके, अभी कुछ रीज़न है तो मुझे ये यहीं पर बंद करना पड़ रहा है वीडियो। थैंक यू सो मच।